चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां दुष्यंत चौटाला किसानों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर दिया बड़ा बयान। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेशन। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से किसान हित में बनाई जा रही नीतियों की कांग्रेस भी कायल है। इन नीतियों को कांग्रेस अपने शासित राज्यों में अपना रही है। डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में किसानों की फसल खरीद व उसके भुगतान की पॉलिसी देश में सर्वश्रेष्ठ है और खुद पर कांग्रेस भी मोर लगा रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्वीट के संबंध में उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले किसान आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन आज उनके पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा की कृषि नीतियों का जिक्र करते हुए उदाहरण पेश कर रहे हैं। हरियाणा के किसानों के खाते में समयबद्ध सीधे भुगतान व मंडियों के आधुनिकीकरण कैसे कदम आज पंजाब खुद अपना रहा है। उप मुख्यमंत्री ने किसानों को लेकर कांग्रेस की नीति व नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस की नीति किसान विरोधी है, उसकी नीयत केवल वोट देने की है। कांग्रेस अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत किसानों को भ्रमित कर रही थी। पेपर लीक मामले मंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, राज्य सरकार ने इस पर तेजी से संज्ञान लेते हुए सख्त कानून बनाया है जो मानसून सत्र में लाया जा रहा है। इसमें सजा और लाखों रुपए के जुर्माने आदि का पेपर लीक मामले में जहां जिसकी कमी सामने आएगी उस पर पंचायत चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का सरकार अध्ययन कर फैसला लेगी। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।